इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। इस पुण्य अवसर पर यहां 25,000 कुंडीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। मुझे खुशी है, मुझे विश्वास है, इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। मैं इस अवसर पर महर्षि सदाफल देव जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके प्रति मेरे हृदयस्थ भावों को पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित करता हूं। मैं उनकी गुरम परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाने वाले सभी संतों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर्वेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्रमुग्ध हो गया था। स्वर्वेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं देख रहा था इसकी दीवारों पर स्वर्वेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहां हजारों साधक एक साथ विहंगम योग की साधना कर सकते हैं। इसलिए ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है। मैं इस अद्भुत आध्यात्मिक निर्माण के लिए स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट को और लाखों लाखों अनुयायियों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं पूज्य स्वामी जी स्वतंत्र देव जी और पूज्य श्री विज्ञान देव जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस अनुष्ठान को पूरा किया। मेरे परिवारजनों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि
और भौतिक विकास का उदाहरण रहा है। हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं, समृद्धि के सोपान तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। बौद्धिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की। हमने काशी जैसे जीवंत सांस्कृतिक केंद्रों का आशीर्वाद लिया। हमने कोणार्क जैसे मंदिर बनाए। हमने सारनाथ और गया में प्रेरणादायी स्तूपों का निर्माण किया। हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसलिए भारत की इन आध्यात्मिक संरचनाओं के इर्द गिर्द ही हमारी शिल्प और कला ने अकल्पनीय ऊंचाइयों को छुआ। यहां से ज्ञान और अनुसंधान के नए मार्ग खुले। उद्यमों और उद्योगों से जुड़ी असीम संभावनाओं का जन्म हुआ। आस्था के साथ साथ योग जैसे विज्ञान फले फूले और यहीं से पूरे विश्व के लिए मानवीय मूल्यों की अविरल धाराएं भी बनी।